तो अयान की दानों हमेशा की तरह गैप गैप हमेशा की तरह क्या अयान गैप हो गई है। कम टू दुबई, दुबई दुबई नहीं, कम टू मदीना। तो आज है जुमा, सो आप सबको जुमा मुबारक। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, सो हम लोग जा रहे हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए। सो अयान कुछ ऐसा तैयार हुआ है, अयान ने फर्स्ट टाइम शलवार कमीज पहनी है, मोस्टली ना इसको चोट लग गई जिसकी वजह से अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि इसको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो अभी इसको मैं एमरजेंसी किट लेकर आई थी, फिर उसमें से मैंने निकाल के इसको सेटमेट किया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ है, तो बस हम लोग जा रहे हैं। तो अयान ने चिली रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए अयान ने अपना सामान साथ कैरी कर लिया है ना, यहाँ साथ कैरी कर लिया इसने सामान अपना। हाँ चलो अयान, हमें यहाँ से टर्न लेनी है, सो टर्न लेते साथ ही ना हम लोगों का वो आ जाएगा गेट, जिस गेट से हमने एंटर होना है। तो यहाँ पे ना मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ना सारी मार्केट प्लेस है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी नमाज का टाइम ही ना हुआ। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा, ये देखिए आया मार्केट प्लेस दिखाओ। सो ये सारी शॉप्स हैं जहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो। कम टू दुबई, कम टू दुबई, दुबई। तो ये सारी शॉप्स हैं इधर, ये पूरी मार्केट है, बिल्कुल हमारे होटल के पास ही है मार्केट और सामने वो गेट है, वहाँ से हमने एंटर हो जाना। सुहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा करके हम लोगों ने फिर होटल वापस चले जाना है, फिर हम आएंगे मगरिब के टाइम के ना, गैदरिंग आज बहुत ज़्यादा है जुमे का करके ना, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। हाँ गैदरिंग आज ना बहुत ज़्यादा है। अयान मेरे साथ रुक के चलो, चलो चलो मूव करो। तो अयान की दानों हमेशा की तरह गैप, गैप हमेशा की तरह क्या है, गैप हो गई है हमेशा की तरह गैप, पता नहीं वो ज़रा वेट नहीं करते, हम उनके लिए जितना मर्जी वेट करी जाए ना, लेकिन वो हमारे लिए दो मिनट भी वेट नहीं कर सकता। अयान क्या कहना चाहता है इस बारे में? जान भी रहा तो भी वो नहीं वेट करती। एक्चुअली ना अयान के फिंगर में लगी चोट जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी, तो अयान काफ़ी ना अपसेट हो गया, रो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग हो गए थोड़ा सा लेट और उसकी नान निकल गई। तो कोई बात नहीं, वो उनकी लाइफ बेहतर है हमारी लाइफ, हम भी नमाज पढ़ के हम अपना निकल जाएंगे, वो अपना निकल जाएंगे। ये गोल्ड की सारी शॉप्स हैं। कम टू दुबई नहीं, कम टू मदीना। अयान की मोस्ट फेवरेट थिंग इज KFC, हर टाइम KFC। पिजन्स दिखाओ, ये देखो पिजन्स, नमाज पढ़ लें उसके बाद अयान पिजन्स के साथ खेलेंगे, ठीक है? लेकिन गाइस को हम खाएंगे, सच में वो देखो इतने सारे, कितने सारे हैं ना। आया नहीं अयान, देख लो आपकी नियत खराब हो गई, लो जी अयान की नियत हो गई है खराब। ये देखिए अयान क्या कर रहा है। हाँ जी चले, अब वापसी में आएंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा इसी साइड से आ जाओ, कम टू मदीना। तो मुझे रोज़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन प्यास लग रही, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। अच्छा कल वेदर बहुत ठंडा ठंडा सा था, इतनी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतनी, मतलब मुँह खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना कफ लग जाएगी मुझे, ड्राइनेस की वजह से कफ लग जाएगी। इकल यहाँ से कहाँ से आ गए, ये सारे पिजन आए मेरे ऊपर से गुजर के गए, मैंने हेड ही नीचे कर लिया था, कुछ नहीं है, इसलिए हम टाइम से निकले। अभी ना 10:45 का टाइम है, 10:45 का टाइम है और 12:30 बजे अजान होगी, तो हम लोग इस वजह से टाइम से निकल आए हैं ताकि हमें अच्छी जगह पे ना नमाज पढ़ने का सिस्टम बन जाए। अगर हम लोग अच्छे, कहाँ से नैना अबू, कहाँ नैना अबू तेरे खड़े, अयान को ना
नाना भूई नजर आते रहते हैं इसको हर टाइम। मैंने कहा ना वापसी में हम एक दफा ना नमाज पढ़ लें, डन। मैं नमाज अच्छी पढ़ता हूँ, मैं भी नमाज। सो आयान भी माशाल्लाह मेरे साथ नमाज अदा करता है। हाँ, पुलिस वाली कार आयान को बड़ी पसंद आई हुई है। डेली मुझे कहता है मुझे इसके अंदर बैठना, मैं कहती बैठ जाऊँ मुझे नहीं पता, खुद ही आप बात कर लो। इधर की पुलिस बड़ी स्ट्रिक्ट है आयान, वो नहीं बात सुनेंगे, वो सीधे चली जाएगी जेल लेके। ठीक है, हमारे लिए ये मिशन है कि हमें जहाँ पे हमें जाना वहाँ पे जगह मिलती है कि नहीं मिलती। तो मुझे भी लगता है कि जहाँ हम जा रहे हैं ना वापस की नानो भी होंगी, मुझे ऐसे लग रहा है वो कह रही है, क्योंकि उनको और हम ना एक ही जगह पर एंटर हो गई। हमने सीधा चला जाना है, कहाँ पे सीधा जाना है मुझे पता है, कहाँ जाना है नानो मुझे पता है। अच्छा, आराम को रास्ते याद हो गए कि एंटर के साथ कहाँ जाना है। सब देख लो माशाल्लाह रश कैसे भरता जा रहा है, इधर रश बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमने फर्स्ट वाली रो में आयान जाना गंजा, आयान गंजा हो गया। हाँ, आयान गंजा हो गया, आयान को आदत है फिर बालों से खेलने की। तो मेरी भी वॉइस आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे फीवर है और साथ में मेरा गला खराब हुआ पड़ा है। हालांकि बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे पर फिर भी ना अजीब सी तबीयत हो रही है, फ्लू हुआ पड़ा है, ये सारा सीन है। सो इस वाली रो में हमने जाना है, इस वाली रो में पता नहीं इसकी नानो मिलती है कि नहीं, इस वाली रो में मिल जाएंगे। इस वाली रो में तो मेरी नानो बैठी होंगी। हाँ, ठंडी हवाएं, मजे मजे मजे, ये एक साथ बनने होंगे। हाँ, वो शाम को देखा था ना आपने, आया ना ब्रश भर गया मेरे साथ साथ। चलो 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 नानो भी इधर ही तेरी कहीं बैठी है। सो अब हम नमाज अदा कर लेते हैं, नमाज अदा करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो आप देख सकते हो रश अभी माशाल्लाह लोग आई जा रहे हैं, काफ़ी रश भरता जा रहा है। तो जगह फिल होती जा रही, जब हम आए थे यहाँ पे बिल्कुल भी ये वाला एरिया सारा पोर्शन खाली था, तो अब ये सारा फिल हो चुका है। तो इसकी नानों को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी यहीं पर कहीं बैठी हूँ, बट दूर दूर तक कोई भी इसकी नानो ना नज़र नहीं आ रही। मे बी वो किसी और साइड पर चली गई हूँ या वो शॉपिंग ना कर रही हूँ। वो ऐसी करती हैं जब गैप होती है ना, तब वो शॉपिंग कर रही होती है, तो वो शॉपिंग में ना बिजी हो, मुझे लग रहा है ऐसे कि कल भी ऐसे हुआ, वो गैप हो गई थी तो शॉपिंग के लिए निकल गई थी और हम समझते रहे कि वो मस्जिद के अंदर है, तो बाद में पता चलता है कि वो शॉपिंग के लिए निकल गई थी और हम समझे कि वो चली गई है, तो हम लोग वापस आ गए। तो ऐसे ही कल हुआ था हम लोगों के साथ। तो अब भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही सीन है, क्यों आयान? अब नहीं, हम वापस जाएंगे। तो आयान अपनी ड्रिंक पी लो, ये पियो जी, खाओगे पियोगे। तो ये आप देख सकते हो जुमे का रश कितना ज़्यादा भरता जा रहा है, पर अभी नमाज को बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है नमाज अभी अदा करने में, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, यहाँ पे ना बहुत मुश्किल है, छोटी छोटी जगहों में भी लोग बैठने लग पड़ते हैं। अभी मैंने एक औरत को ना कहा कि मेरे साथ आके बैठ जाओ, अच्छी खासी जगह है, मेरे साथ काफ़ी जगह खाली है। तो उसको मैंने ये साथ वाली औरत को ना कहा है, ये जो है साथ है, और इनको मैंने कहा है कि ना मेरे साथ आके बैठ जाए, ऐसे ना आयान के आगे ना आके बैठे, आयान ने भी नमाज अदा करनी है। देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है, अब जाके नमाज हुई है अदा, तो अब हम नमाज पढ़ के जा रहे हैं वापस। तो रश बहुत ही ज़्यादा है और धूप भी उतनी तेज़ है, धूप में नमाज पढ़ रही है, सर चकरा रहा है इस टाइम, फुल सर चकरा रहा है। आयान तुमने मेरे सांस रहा ना, रश बहुत ज़्यादा है। हाँ चलो, ये देखो रश कितना ज़्यादा है। देखो रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। Yeah.
सो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों का सेकंड रोज़ा भी अफ्तार हो गया है और हवा इतनी मज़े की ठंडी ठंडी सी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है अफ्तारी करने का है मम्मा, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कह रहे हैं अंकल, मेरी गोली में जूस फेंका, अंकल ने इसको एक जूस दिया। सो माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरा रोजा भी गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला, ऐसे ही हमें पता ही नहीं चला कि दूसरा रोजा भी गुजर गया, रोजे आने और माशाल्लाह दूसरा रोजा भी इफ्तार कर लिया और इंशाल्लाह फिर हम अब तीसरा रोजा रखेंगे। माशाल्लाह कितनी जल्दी से रोजे गुजर, पता ही नहीं चल रहा, एक हवा कितनी मजे की चल रही है। सो रश देख लो माशाल्लाह कितना ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हम आज फ्रंट वाली रो में बैठे हैं, बिल्कुल फ्रंट वाली रो में। ये है 309 गेट नंबर 309 के बिल्कुल फ्रंट में बैठे हैं आज और इतनी मज़े की हवा चल रही है, चिड़िया उड़ रही है। सही है, अयान कहता है कि ऐसी हो रहा है कि चिड़िया उड़ रही है और इस टाइम मेरा नाक भी बंद है, गला भी बंद है, मेरी आवाज़ भारी हो रही है। रात को शवारमा कम खाना था ना, कटाई वाला? हाँ मैंने रात को शवारमा खाया है कटाई वाला, और आई थिंक उसमें विनीगर था इंक्लूड, तो विनीगर मुझे सूट नहीं करता, तो विनीगर वाला मैंने शवारमा खा लिया, तो उसके बाद से तबीयत ऐसी हुई पड़ी है मेरी। सो अभी भी नमाजी ये देखे आई जा रहे हैं माशाल्लाह, और वेदर बड़ा अच्छा मज़े का हो गया, ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा सा हो गया, कुल कुल हवा चल रही है। अभी थोड़ी देर तक ये अम्ब्रेला सारी बंद होने लग जाएंगी और जैसी बंद होंगी ना तो आज फिर मैं आपको शो करके दिखाऊंगी कि अम्ब्रेला ये सारी कैसे बंद होती है। सो अभी तक ये अम्ब्रेला बंद नहीं हुई, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बारिश होने वाली है क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा ना ठंडा हो गया है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि अब ना यहाँ पे बारिश होगी या कुछ मसला है, जिसकी वजह से अभी तक अम्ब्रेला बंद नहीं हुई, वरना ये मगर से पहले ही ना अम्ब्रेला बंद हो जाती है, तो अब तक ये बंद नहीं हुई, बहुत ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से मेरा नोज़ बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा नोज़ बंद हो रहा है, फ्लू सा फील हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोटे छोटे बैग लेकर आती हैं हमारे जैसे बैग, हम लगेज ही इतना ज्यादा लेकर आए तो खाना ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। हाँ।